किसानों का कर्ज माफ करना हो या रोजे को देने का जुमला है। आमिर कुरैशी। बरेली जिला कांग्रेस कार्यालय अल्पसंख्यक विभाग बरेली पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव व जनपद बरेली प्रभारी आमिर कुरैशी ने कहा, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो किसानों का मुद्दा उठा रही है। सभी पार्टियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का फायदा ही उठाया है, चाहे किसानों का कर्ज माफ करना हो या रोजगार देने का जुमला हो। आज हमारे अकलियत के लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है, और जो हिंदुस्तान के अंदर या भारतीय प्रदेश के अंदर जो गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं जिन्होंने छलने का काम किया माइनॉरिटीज के लोगों को, अल्पसंख्यक के लोगों को, वो उनको हम जागरूक करना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर उनकी गोद में बैठकर अकलियतों का वोट लेकर तीन तीन बार मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने छल से कपट से मुसलमानों को गुमराह करके, चाहे अकलियत के लोग गुमराह करके जो सरकार तीन तीन बार बनाई है, आज कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि इनकी सरकारों में रहने के बाद आपका उत्थान नहीं बल्कि आपका विकास नहीं विनाश हुआ है। और हमने तीन तीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दिए, गवर्नर हमने दिए, और अभी भाई ने मेरे कहा कि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार पूरे प्रदेश में नई नई ज्वाइनिंग हो रही हैं। प्रियंका गांधी न्याय पंचायत स्तर पर आकर कार्य कर रही हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का कोई विकल्प है तो केवल कांग्रेस पार्टी है, और ये अकलियत के लोग भी समझ चुके हैं, ये बहुसंख्यक लोग भी समझ चुके हैं। आज दोनों का एक मिजाज बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है तो कांग्रेस पार्टी है, और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अकलियत के बल पर, बहुसंख्यकों के बल पर, इस देश के तमाम जनमानस के बल पर उत्तर प्रदेश में हम 2022 में सरकार बनाएंगे। मुझे अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश का सचिव बनाया है और बरेली जनपद का प्रभारी बनाकर यहाँ भेजा है। आज हमारी जिलाध्यक्ष जी से कल बात हुई और हम जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है 3 तारीख से, उस मुतालिक हम अध्यक्ष जी से बात करना है। अब बैठ के बैठ तय करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति प्रेस को देंगे। क्या किस बारे में आप लोग माइनॉरिटी को जागरूक करने की, जैसे कि हमारे पिछले दौर में 5 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने देने का काम किया, उस मुतालिक हम यहाँ आज बरेली आए हैं। काफी लोग जो है पार्टी छोड़ छोड़ कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, और जमीनी स्तर पर आप किस तरह से लोगों को जोड़ना साहब? माइनॉरिटी सेल जो हमारी प्रदेश में थी पहले, आपने देखा था इस कदर तादाद में लोग नहीं हुआ करते थे। आज शाहनवाज आलम जी द्वारा पूरे प्रदेश में इंशाल्लाह मेन से बराबर हम मान के खड़े हो गए हैं, और आपके यहाँ पार्टी छोड़ने की बात, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। सपा बसपा छोड़कर लोग तंग आ चुके हैं, वो पार्टियाँ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं लोग। माइनॉरिटीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, क्या किस तरह से सोच है, क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि एक तरह से जो माइनॉरिटी है उसको वो कांग्रेस में हाशी बजा चुका है, जो बड़े बड़े नेता हैं माइनॉरिटीज से जुड़े कांग्रेस के। दोबारा पूछे, कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में माइनॉरिटी से जो जुड़े हुए नेता हैं, माइनॉरिटीज नेता हैं, उनकी हालत को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह के जो परिप्रेक्ष्य अभी हाल ही में चल रहा है। नहीं, माइनॉरिटी की आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोकल में आ जाइए, बेगम नूरबानो साहिबा हैं, प्रियंका गांधी जी के साथ चली और साथ रही, वो माइनॉरिटी को कांग्रेस ने हमेशा आगे रखा है। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।